सैमसंग का D850 मॉडल है। आज हम इसके आपको लोड सेल के कनेक्शन, कैलिब्रेशन, इंटरफेसिंग के कनेक्शन और उसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले लोड सेल के कनेक्शन के बारे में बताते हैं। इसमें 5 पिन का फीमेल कनेक्टर लगेगा। इसकी एक नंबर वायर पे पिन पे एक्साइटेशन प्लस की वायर लगेगी, दो नंबर पे सिग्नल प्लस की वायर लगेगी, तीन नंबर सिग्नल माइनस और चार नंबर पे एक्साइटेशन माइनस की वायर लगेगी। इसके बाद हम करते हैं जब वेट पोजीशन या जीरो पे आ जाए तो आप सेट का बटन दबाए के रखेंगे, ऑन ऑफ का दबा के छोड़ देंगे, C01 आ जाएगा। फिर आप सेट का बटन दबाएंगे C02, ये इसकी डेसिमल पोजीशन है। इनपुट होने के लिए सेट का बटन दबाएंगे और चेंज करने के लिए एरो की बनी है। जीरो पे आप एरो की एरो बनी है और थ्री पे डाउन एरो बनी है और टोटल पे लेफ्ट एरो बनी है। तो इसकी मदद से आप चेंज करेंगे। मैंने इसका डेसिमल 3 रखना है, 3 जीरो के बाद इशारिया रखना है, मैंने इसका 3 कर लिया। उसके बाद फिर सेट का बटन दबाएंगे C03, ये इसकी डिवीजन है। सेटिंग करने के लिए हम सेट का बटन दबाएंगे और इसको मैं 5 ग्राम से चलाना चाह रहा हूँ तो मैंने 5 कर लिया। उसके बाद फिर सेट का बटन दबाएंगे, ये इसकी C04, ये इसकी कैपेसिटी है। इंटर होने के लिए सेट का बटन दबाएंगे। यहाँ पे आपने जितनी कैपेसिटी रखनी है वो आप लिख सकते हैं। एरो की मदद से आप लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। लाइक मैंने 50 के जी कैपेसिटी रखनी है तो मैं इसको 50 सेट करके उसके बाद फिर सेट का बटन दबा दूँगा। 05, ये इसकी ज़ीरो कैलिब्रेशन है, इसको हमने 1 करना है। 1 करके फिर सेट का बटन दबाएंगे, ये ज़ीरो कैलिब्रेशन हो रही है। काउंट डाउन चलने के बाद जीरो वेट पोजीशन पे या ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद आप फिर सेट का बटन दबाएंगे C06, फिर सेट का बटन दबाएंगे C60, इसको हमेशा 1 करना है। 1 करके फिर आप सेट का बटन दबा देंगे। स्पेन लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे वेट रखेंगे और जितना आपने वेट रखा है उसी को यहाँ पे फीड करेंगे। लेफ्ट आने के लिए लेफ्ट एरो की वाले बटन को दबाएंगे। लेफ्ट साइड पे डिजिट मूव हो रहा है और मैंने यहाँ पे 5 के जी वेट रखा है तो मैं इसको 5 के जी लिखूँगा और इसको जीरो करके जितना वेट रखा है उतना लिख के उसके बाद आप फिर सेट का बटन दबा देंगे। काउंट डाउन करने के बाद कॉल एंड लिख के आएगा, यहाँ पे आप ऑन ऑफ का बटन दबा के छोड़ देंगे। ये कैलिब्रेशन कंप्लीट। अब हम इसके इंटरफेसिंग के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। इसमें 3 पिन का फीमेल कनेक्टर लगेगा। इसकी एक नंबर पिन पे TXD की वायर लगेगी, दो नंबर पिन पे RXD और तीन नंबर पे ग्राउंड की। RX की सेटिंग करेंगे, बटन आप दबा के रखेंगे और उसका दबा के छोड़ देंगे। C18 पे जाना है डायरेक्ट, तो हम 1 लिंक कर रहे हैं, इसको हम 8 कर लेंगे। 0 के बटन पे लेफ्ट आने के लिए हम लेफ्ट एरो की वाले बटन टोटल के बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम 1 कर लेंगे। डायरेक्ट हम C18 पे चलेंगे। अब हम सेट का बटन दबाएंगे C18, उसको अगर हम 1 करेंगे तो एक्सटर्नल डिस्प्ले पे चलाने के लिए इसको हम 1 करेंगे और अगर हम कंप्यूटर के साथ इंटरफेसिंग करना चाह रहे हैं तो हम इसको 4 करेंगे। क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर के साथ इंटरफेसिंग करना चाह रहा हूँ तो हमें इसको 4 करके और फिर सेट का बटन दबा देंगे। C19 पे चला जाएगा। C19 इसकी बाउड रेट की सेटिंग है। इंटर होने के लिए सेट का बटन दबाएंगे C19। अगर हम इसको 3 रखते हैं तो इस मेन के इसका बाउड रेट 96 हो जाएगा। अगर हम इसको 2 रखते हैं तो 48 4800, 1 रखते हैं तो 2400, 0 रखते हैं तो 1200। अभी चूँकि मैंने 96 पे सेट करते हैं तो हम इसको 3 रखेंगे और सेट का बटन दबाएंगे।
C20 आ जाएगा, बाय की करने के लिए ऑन ऑफ का बटन दबा के छोड़ दीजिए। अभी कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। आइए जी, का सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसमें एडमिन से हम कंपनी में जाएंगे। शान के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इंडिकेटर L200S पे चलेंगे, तो हमेशा इसको जो है इंडिकेटर नेम को L200S ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद स्पीड मैंने बाउड रेट 9600 रखा है, उसके बाद नन 81 रखना है इनको आपने, और फिर अपडेट कर देना है। जीरो शो हो रहा है इंडिकेटर पे भी। जैसे वेट इंडिकेटर पे चेंज हो रहा है, वैसे ही कंप्यूटर पे चेंज हो रहा है।